रहने में वुडन स्टिक का इस्तेमाल कैसे करें, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले वुडन स्टिक को ढूंढकर निकालना है। और ढूंढने के लिए अपने को ग्रैनी के घर को चेक करना पड़ेगा। एक दो बार मुझे वुडन स्टिक ऊपर में मिल चुका है, इसलिए मैं सबसे पहले ऊपर में ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और देखो अपने को यही से ही वहाँ पर वुडन स्टिक दिखाई दे रहा है। और वहाँ तक के पहुँचने के लिए अपने को इन वुडन प्लैंक्स को हथौड़े से निकालना पड़ेगा। मैंने हथौड़े को इधर उधर कैसे भी छानबीन करके जुगाड़ लगाकर ढूंढ कर निकाला है। अभी इससे अपन इन वुडन प्लैंक्स को निकाल देंगे। निकालने के बाद इनमें से एक प्लैंक को उठाकर यहाँ पर रख देना है। और अभी अपन चलते हैं लेने के लिए वुडन स्टिक को। वुडन स्टिक मिल जाने के बाद अपने को जाना है नीचे में टीवी के पास, जहाँ अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता खुलता है। लेकिन हमेशा यहाँ पर लॉक लगा रहता है, जिसे खोलने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है स्पाइडर की की। तो मैंने स्पाइडर की को ढूंढने वाले पार्ट को स्किप कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि स्पाइडर की को कैसे ढूंढते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो एंड स्क्रीन में टच करके देख लेना, तब तक कि इस वीडियो को समझ लो। और हाँ, नीचे आने के बाद हमें हमेशा याद रखना है, इस भूलभुलैया में एक ग्रैनी स्पाइडर है जो हमारी खून की प्यासी है, इसलिए जरा जरा बच के रहना है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को इस भूलभुलैया का रास्ता समझ में नहीं आता, लेकिन खेलते खेलते इसका पूरा मैप ही अपने दिमाग में छप जाता है। तो अभी अपन यहाँ से नीचे झुक कर अंदर चले जाते हैं। और अंदर आने के बाद वुडन स्टिक को इस हैंडल की जगह पर लगा देना है, बस इतना ही काफ़ी है। तो लेफ्ट या राइट वाले दोनों में से किसी भी एक वीडियो को अपने हिसाब से सेलेक्ट करो और देखो।